हम लोग फूड प्रोसेसिंग में कैसे आगे बढ़े, क्योंकि जहां हमारा कृषि का ग्रोथ रेट ये 3-4% तक जाता है, हमारा फूड प्रोसेसिंग का ग्रोथ रेट ये केवल 1% है, और वो भी पिछले 2 सालों में आया है। अगर 2-3 साल पहले हम देखें तो वो 1% से भी कम था, कुछ प्रतिशतों में वो था। तो जब तक हमारा फूड प्रोसेसिंग का ग्रोथ रेट ये कृषि के विकास दर को एक्सीड नहीं करेगा, तब तक हम लोग जो रियलाइजेशन है वो फार्मर्स को नहीं दे पाएंगे। और इसलिए उस दृष्टि से भी फूड प्रोसेसिंग के हमने फूड पार्क्स तैयार किए, लेकिन क्या वो उतने इफेक्टिव है या नहीं है, इसका भी विचार इस समिति ने किया है और उसके ऊपर भी हम लोगों ने सुझाव मंगाए हैं। इसको हम और डिसेंट्रलाइज किस प्रकार से कर पाए, कृषि मंत्री जी ने एक बहुत व्यापक सुझाव इसमें दिया है कि हमारे जो प्रोड्यूसिंग जोन्स है उस जोन के मद्देनजर इसको डिसेंट्रलाइज पद्धति से हम लोग कैसे फूड प्रोसेसिंग कर पाए, इसका विचार भी हमको इसमें करने की जरूरत है।